बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, या मैं जिसे कहूँगी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, या फिर हम इसे कह देंगे सिंपैथोलिटिक्स। मैंने कहा ना लिटिक्स, लिटिक्स वर्ड एंड पे आ जाएगा। बच्चों ब्लॉकर्स या लिटिक्स, सिंपैथोलिटिक्स क्या करेंगे भाई? डेफिनेट सी बात है, आपके जो सिंपथेटिक नर्व्स हैं उनकी स्ट्यूमुलेशन को इनहिबिट कर देंगे, ऐसे ही है ना। इसके अलावा क्या करेंगे भी, किस तरह से आप, और दूसरे वे में मैं कह सकती हूँ भी, ये आपके एंडोजेनस जो कैटेकोला मीन्स हैं उनके इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगे। थर्डली मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जी आपके एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट को अपोज करेंगे, ठीक है, या उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे जिसके ऊपर आपके एड्रेनर्जिक ड्रग जाकर बाइंड करती है। एड्रेनर्जिक ड्रग की एग्जांपल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई, दैट इज़ एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसको ऐसे रेफरेंस प्रोड्रग ले लो, प्रोड्रग कौन सी होती है, दैट इज़ अ रेफरेंस ड्रग। भाई आपने पूरी ड्रग क्लास में उस प्रोड्रग को पढ़ लिया, आपको फिर जी उस क्लास की डिफरेंट ड्रग्स ऑटोमेटिकली आती हैं बिकॉज मोड ऑफ एक्शन इज द सेम, ऑलमोस्ट काइनेटिक इज सेम, ठीक है। सो बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं वो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं भाई, मेरे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स थे अल्फा रिसेप्टर्स एंड दी बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स मेरे पास दो तरह के हैं, बीटा रिसेप्टर्स मेरे पास तीन तरह के, अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। इसमें से एक चीज़ याद रखना, मेरे पास जो अल्फा टू रिसेप्टर है दैट इज़ दी ऑटो रिसेप्टर, जिसने हम लोगों ने मस्क्रीनिक ऑटो रिसेप्टर्स देखे थे ना भाई, ये मेरे पास न्यूरॉन है दैट इज़ रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर। द रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ द रिसेप्टर जिसको मैंने कह दिया ऑटो रिसेप्टर। इस ऑटो रिसेप्टर पे वही न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बाइंड करेगा, दैट इज़ रिलीज बाय द सिमिलर न्यूरॉन। अब ये जब ऑटो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा, ऑटो रिसेप्टर की एक्टिवेशन सब क्या होगा, दिस विल स्टॉप रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एपिनेफ्रीन रिलीज हुई, एपिनेफ्रीन मेरे ऑटो रिसेप्टर पर जाकर बाइंड की, अब जी इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, अब ये मेरा न्यूरॉन एपिनेफ्रीन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा दिस वॉज ऑटो रिसेप्टर, हेट्रो रिसेप्टर की मैंने बात नहीं की, ठीक है बच्चों। अब जी क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट, सबसे पहले जी नॉन सेलेक्टिव। भाई नॉन सेलेक्टिव ऐसे हैं जो भी किसी भी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी इज द नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, मींस दे कैन ब्लॉक अल्फा वन, दे कैन ब्लॉक अल्फा टू। ऐसे ड्रग्स की देखो बच्चों आपके पास एग्जांपल क्या लिखे है, फिनॉक्सीबेंजामीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो अब जब आपने अपनी लिपिन कोट उठाई तो ब्रैकेट में इसका ब्रांड भी आगे मेंशन है, दैट ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड है लेकिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। देखो ब्रांड क्या लिखा है, डायबेंजाइलीन, ओके दिस इज़ नॉन कम्पिटिटिव ड्रग। सेकेंडली यू हैव द फेंटोलामीन, दिस इज़ आल्सो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर बट दिस इज़ अ कम्पिटिटिव ड्रग, यानी कि एंटेगोनिस्ट के साथ ये कम्पीट कर रही है। देन यू हैव द थर्ड ड्रग कौन सी है, टोलेजोलीन, ठीक है। इसके बाद जी हम लोगों ने ये पढ़ लिया नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो अल्फा वन अल्फा टू किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वर्ड्स द सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर का क्या नाम है, प्रेजोसिन। यू हैव डोक्सेजोसिन, ट्रेजोसिन, टेमस्यूलोसिन, टेमस्यूलोसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन यू हैव द सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर जो आपके ऑटो रिसेप्टर को ब्लॉक करने जा रही है, इसकी एग्जाम्पल है यूहिम्बिन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी स्टडी करेंगे। देन यू हैव दी एटीपेमीजोल। बच्चों क्लासिफिकेशन सारी आपको याद करनी पड़ेगी, कॉलेज में क्लासिफिकेशन वाइवा में भी सुनते हैं, रिटन में भी आती है आपके पास भाई। अब हम आ जाते हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स की तरफ, बीटा ब्लॉकर्स में भी सिमिलरली हम लोग कैटेगराइज करेंगे इनटू नॉन सेलेक्टिव वन। अच्छा नॉर्मली हम जब बात करते हैं ना बीटा में तो हम बीटा वन बीटा टू की बात करते हैं, तो भाई नॉन सेलेक्टिव में आपके पास ड्रग है प्रोपेनोलोल, दैट इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग, भी आपने प्रोपेनोलोल स्टडी कर दी, बकाया इसके नीचे जो ड्रग दिए हैं आपको उनका सेम मोड ऑफ एक्शन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा वो। यू हैव नेडोलोल, पिंडोलोल एंड दी टाइमोलोल, टाइमोलोल स्टडी की है ना, ओके।
देन यू हैव सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर, दीज आर एटीनोलोल, मीटोप्रोलोल, एस्मोलोल एंड एसीब्यूटोल. देन यू हैव द सेलेक्टिव बीटा टू ब्लॉकर, बीटा टू ब्लॉकर्स की ड्रग कौन सी है, ब्यूटोक्सामीन. देन यू हैव अल्फा बीटा ब्लॉकर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकती हैं, बीटा को भी. वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी ड्रग्स का नाम याद रखें, दैट इज लेबीटालोल एंड कारवेडिलोल. ठीक है बच्चों, प्रीसाइनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हैं, इनको भी मैं एंटेगोनिस्ट की कैटेगरी में क्यों डाल रही हूँ, कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी. कौन से ड्रग ब्लॉक करेंगे, दीज आर दी प्री साइनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट. कैसे करेंगी बच्चों, देखो ना, एज एन एंटेगोनिस्ट या आपके ये एगोनिस्ट है, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कैसे करेंगी. देखो मेरे पास ऑटो रिसेप्टर था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक मैंने कैसे करना है, भाई इस तरीके से करना है कि एपिनेफ्रीन रिलीज ना हो. भाई अब इसने क्या किया कि अल्फा टू रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड किया. ठीक है, आपके अल्फा टू रिसेप्टर पर जब इस एगोनिस्ट ने जाकर बाइंड किया, तो अब जी पहले मेरी अल्फा टू रिसेप्टर की एक्टिवेशन से हो क्या रहा था, जैसे ही मेरा अल्फा टू रिसेप्टर एक्टिवेट होता था, वो एपिनेफ्रीन की रिलीज को ब्लॉक कर देता था. अब क्या होगा, जब मेरे इस एगोनिस्ट ने, दैट इज़ अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट ने जाके ऑटो रिसेप्टर पे काम किया, तो अब क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा, एपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ता रहेगा. ठीक है, ऐसी ड्रग की बच्चों आपके पास एग्जांपल है क्लोनिडीन, ज़ाइलाज़ीन, डेटोमिडीन, देन यू हैव मी डेटोमिडीन, देन यू हैव अल्फा मिथाइल डोपा. अल्फा मिथाइल डोपा का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों ने. ठीक है, देन यू हैव द ड्रग्स अफेक्टिंग रिलीज ऑफ नोरएपिनेफ्रीन. ऐसी ड्रग्स, भाई आपको पता है मेरे पास मेरे न्यूरॉन में आई हैव द वेसिकल, दिस वेसिकल इज कंटेनिंग द नोरएपिनेफ्रीन. ये ड्रग क्या करेंगी, वेसिकल को कहेंगी कि एपिनेफ्रीन को रिलीज नहीं करना. ऐसे ड्रग्स की एग्जांपल देखो कौन सी हैं, ग्वानिथेडीन, रेजरपीन एंड द अल्फा मिथाइल डोपा. क्लियर. अच्छा जी, अब जी ओवरऑल थेरापूटिक यूजेस देख लो, जो आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. आपके पास जी सबसे पहले ये जो ड्रग्स हैं जो अल्फा वन ब्लॉकर्स हैं, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगी भी हम लोग फिनोक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन को पढ़ने जा रहे हैं. दीज आर यूज इन केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. ठीक है, अब बच्चों फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, इसमें क्या होगा, देर विल बी द एक्सेसिव रिलीज ऑफ एपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन रिलीज कहाँ से होगी, एड्रीनल मेड्यूला से होगी. एड्रीनल मेड्यूला से क्यों होगी, बिकॉज आपके एड्रीनल मेड्यूला में ट्यूमर डेवलप हो गया है. ट्यूमर डेवलप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोलीफरेशन ऑफ द सेल्स. और कौन से सेल्स की प्रोलीफरेशन होगी, क्रोमाफिन सेल्स की. ठीक है, क्रोमाफिन सेल्स जी ट्यूमर हो गया, देर विल बी द ट्यूमर ऑफ क्रोमाफिन सेल्स. अब इस क्रोमाफिन सेल्स ने क्या किया कि एपिनेफ्रीन को, एड्रीनल मेड्यूला से एपिनेफ्रीन को रिलीज करवाया, एपिनेफ्रीन रिलीज हुई. तो यू नो कि एपिनेफ्रीन क्या करती है, हाइपरटेंशन कॉज करवाती है. ठीक है, तो भाई ये आपके पास जी, आप इसकी ट्रीटमेंट के लिए यू विल यूज़ द अल्फा वन ब्लॉकर्स. कौन सी, अब डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में बच्चों. अब मेरे पास जी कैसे मुझे पता चलेगा एपिनेफ्रीन का लेवल बढ़ गया आपकी बॉडी में, देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड टेस्ट. ठीक है, देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ यूरिन टेस्ट. You can do the imaging testing. क्या कर सकते हैं, You can do the CT scan, You can do the MRI. इसके बाद जी इसके therapeutic uses क्या है, मैंने कहा ये antagonist है, तो it means ये क्या करेंगी, hypertension की treatment में इस्तेमाल होगी, आपको hypertension की तरफ लेकर जाएंगी. So एक therapeutic use आ गया in hypertension, then in the benign prostate hyperplasia. Prostate, you know, this is an organ. Hyperplasia means increase number of cells. अब prostate hyperplasia में क्या होगा, benign होता है ना, benign is representing the non-cancerous state को represent करता है. भैया benign prostate hypertension जिसे मैं BPH
एच से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए यू कैन यूज़ दीज एंटैगोनिस्ट। कौन सा एंटैगोनिस्ट यूज़ करेंगे वी विल डिस्कस दिस। फिलहाल व्हाट इज़ BPH, आपको इसके नाम से पता चल रहा है बिनाइन है, दिस इज़ नॉन कैंसरस। प्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोस्टेट में किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी उसमें क्या होगा, देर विल बी हाइपरप्लेसिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ दी सेल्स, यूजली इन मेल्स ये विद द एज डेवलप होता है, ठीक है। अब बच्चों BPH क्या है कि इसमें देर विल बी दी, मैंने कहा ना हाइपरप्लेसिया होगा, देर विल बी दी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाएगी तो डेफिनेटली यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और डेफिनेटली किडनी प्रॉब्लम के भी चांसेस है आपके पास। देन बच्चों देन आप लोगों ने टाइमोलोल के बारे में कितनी दफ़ा पढ़ा है, ग्लोकोमा को जब डिस्कस कर रहे थे, तो भाई दीज ड्रग्स कैन बी यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अब जी जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरटेंशन था उसके अंदर मैं कौन सी ड्रग यूज़ कर रही थी डोक्साजोसिन। ग्लोकोमा के अंदर आई एम यूजिंग टाइमोलोल। कार्डियक एरिथमिया के लिए आई विल यूज़ दी बीटा ब्लॉकर। अब ये एडवर्स इफेक्ट्स, ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट इन एंटैगोनिस्ट के क्या होंगे, देर विल बी हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है, पोस्टरल हाइपोटेंशन है जी, कोई इंसान लेटा है एकदम उठ गया उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है, चक्कर आ गए गिर गया, ठीक है। अक्सर रात को ऐसे होता है ना कि हम लेटते हैं एकदम उठते हैं चक्कर आते हैं गिर जाते हैं, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। या फिर बैठे हैं एकदम उठे तब भी ब्लड प्रेशर डाउन गया, दैट इज़ आल्सो द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो इसमें जी ये एडवर्स इफेक्ट आपको आता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द अल्फा वन ब्लॉकर्स की वजह से, क्लियर है बच्चों। दीज आर एंटैगोनिस्ट, सिंपैथोलिटिक्स हैं, एड्रिनर्जिक एंड एगोनिस्ट है भाई। अल्टीमेट कंक्लूजन इज इन्होंने जी आपके अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, आपके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, या फिर क्या करना है, स्ट्यूमुलेट कर देना है आपके अल्फा टू रिसेप्टर्स को, ऐसे ही है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। या फिर ये क्या करेंगे, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, क्लियर।